नीचे सो गया है ना? सो गया बेटे, मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहती। ठीक है माँ, मैं आपको चंडीगढ़ वाले घर में ले जाऊंगा। पापा, बेवकूफ हूं ना मैं इसलिए, चंपा ने ना कर दी और मेरा दिमाग खराब हो गया। लेकिन क्यों? लड़ाई इसलिए। कम बख्त भी है क्या? बेटे, तुझे आज तो नहीं जाना। माँ, अगर फोन आ गया तो जाना पड़ेगा। माँ, बड़े भैया एक खत छोड़ गए थे, कह गए थे अगर मैं वापस ना आऊं तो इसे खोल देना। प्यारी बहन मोहिनी, मौत को जब आना ही है आके रहेगी, चाहे किसी भी बहाने आए। लड़ाई भी एक बहाना है। नीजू के लिए मैं कुछ नहीं छोड़ चला, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो उसे इस बात का फक्र रहेगा कि वो जो आजादी उसे इस देश में मिल रही है उसे खून में सींचा गया है, और उस आजादी को सींचने वाले खून में उसके बाप का खून भी शामिल है। राजेश बच निकला तो बहुत तरक्की करेगा, दलेर लड़का है, हमारे पिताजी भी दलेर ही पसंद करते थे। और तुम वही नहीं, राजीव को चाहती हो तो राजीव से शादी कर लो, जिंदगी में प्यार मिले वही अच्छा है, और वो शेर आदमी है। माँ का दिल बहुत कमजोर है, पर माँ से कहना मौत को आना ही है तो एक मामूली एक्सीडेंट से भी आ सकती है, तो क्यों ना दलेरी में आए, शान से आए। माँ से कहना मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, और नीजू, नीजू अब तुम सब के हवाले, बहुत बहुत प्यार के साथ। मैं भी अभी लौटा हूं, आते ही खबर मिली, बहुत दुख पहुंचा। भगवान के आगे इंसान का बस भी तो नहीं चलता, आखिर फिर सिपाही की जिंदगी। जी। हेलो, मैं मोहिनी की मम्मी बात कर रही हूँ। नमस्कार। अगर तुम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हो तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। एक बेटा खोया, एक पाया। मुझे जाना है। ओ भाई। माँ का ख्याल रखना।